हेलो चौसर का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 4.3। चैप्टर हमारा 4 चल रहा है, तो एक्सरसाइज जो 4.3 है इसमें लगभग 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम इस एक ही कंप्लीट वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर बच्चों इसमें देख रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो हमें ये पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपने क्वेश्चन देख लिया है, 3 पार्ट इसमें है, तो टोटल 3 पार्ट को वन बाई वन करेंगे। पहले हम कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा। क्लियर है, तो स्क्रीन पर आप देखते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूलों का अस्तित्व, ठीक है। और मूलों का अस्तित्व कब होगा वो आप ध्यान से देखें और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व एक लाइन हमने लिखी क्या, मूलों का अस्तित्व, और कब होगा जब डी क्या होगा, जब डी का मान, देखो डी क्या होता है विभेदकर बोलते हैं, और डी पहले हम लिख देते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये सूत्र आपने याद कर लेना है जिसको हम विभेदकर का बोलते हैं, ठीक है। किसका सूत्र बोलते हैं, विभेदकर का, और कैसे लिखते हैं इसको, देखो विभेदकर, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जब विभेदकर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ठीक है, इसका मान क्या हो, 0 हो तब अस्तित्व होगा, ठीक है, और इसके अलावा या फिर धनात्मक संख्याएं या फिर धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक संख्या हो, ठीक है। यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4 AC को जब आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है वो या तो 0 है या फिर धनात्मक आए, तब क्या होगा, अस्तित्व होगा। सिंपल सी लैंग्वेज जो आपने याद कर लेनी है यहाँ पे लिख लेना, में अस्तित्व होगा क्या, जब आप डी यहाँ पे देखो अभी बी स्क्वायर माइनस 4 AC को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डी का मान क्या हो, 0 हो या फिर धनात्मक हो, क्या होगा, अस्तित्व होगा। और जब डी का मान क्या हो, डी का मान क्या हो, ऋणात्मक, डी का मान ऋणात्मक होगा तब क्या हो जाएगा, अस्तित्व नहीं होगा, तब क्या होगा अस्तित्व नहीं होगा। और जब डी का मान 0 आ जाएगा तब आप उसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाले हैं आगे, ठीक है। जब अस्तित्व होगा तब आपने उसको आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा बता दूंगा। और इसके लिए आपने जो फॉर्मूला याद करना है, एक तो आपने देख लिया विभेदकर का जिसको बोलते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC, और इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, ये सूत्र भी आपने याद कर लेना है। और द्विघाती सूत्र होता है जो आपके पास, मान लो जैसे यहाँ पर x है आपके पास, तो यहाँ पर x बराबर जाएगा, मान लो यहाँ पे आपका t स्क्वायर हो गया, फिर t है तो वहां पर आप t ले लेंगे x जगह पे, ठीक है। तो x बराबर होता है आपका जो माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4 AC, और इस पूरे के अकाउंट में आ जाएगा 2a। ये आपका द्विघाती सूत्र, और इसी द्विघाती सूत्र को बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघाती सूत्र बताओ तब भी आपने ये बताना है, कोई बोलता है आपसे कि श्रीधराचार्य सूत्र बताओ तब भी आपने यही फॉर्मूला बोल देना है। और इसमें एक जो हम इस यूज करने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, वो भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये इतनी चीजें अगर आप याद कर लेते हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। द्विघात समीकरण का मानक रूप बच्चों क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इतने पॉइंट आपने याद कर लेने हैं, पहला पॉइंट आपने देख लिया मूलों का अस्तित्व कब होगा, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आपने द्विघाती सूत्र देख लिया, और उसके बाद तीसरा नंबर आपने क्या देख लिया, द्विघात समीकरण का मानक रूप। इतनी चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है ये एक्सरसाइज। तो अब करते हैं सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आपने पहले पढ़ लिया, तो यहां से हम क्या करते हैं सीधे समीकरण को उठा लेते हैं। तो इक्वेशन जो आप देख रहे हैं वो है 2x² नंबर कर रहे हैं फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है 2x² - 3x और फिर आपके पास +5 = 0। अब पहला काम जो करना है आपने वो क्या करना है, इसका अस्तित्व देखना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। तो अस्तित्व देखने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, लिखना है समीकरण की तुलना,
समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर, मानक रूप से करने पर। पहले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, बट आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते जाऊंगा, आप बट उसको पूरा फिल करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर, मानक रूप में मैंने आपको लिख के दिखाया, तो देखो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ए बी सी का मान निकालना है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो ए की अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपने काटना नहीं, सिर्फ आपको समझाने दी, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ए बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, ए बराबर 2। कितना आसान है देखो मान निकालना ए बी सी का। ऐसे ही फिर देखो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का भी ऊपर माइनस 3 है, तो आप बी का मान कितना लिखेंगे, -3। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा बी बराबर -3। ऐसे ही सी, देखो सी है यहाँ पे और वहां पर ऊपर कितना है, +5, तो यहाँ पे सी का मान कितना आ जाएगा, +5। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले हम अस्तित्व चेक करेंगे, तो अस्तित्व चेक करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अगर 0 या फिर प्लस में आया, अभी हमने यहाँ पर देखो आपको बताया अगर 0 या फिर धनात्मक है तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, तब आप उसको आगे पूरा सॉल्व करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे यानी मूल ज्ञात करेंगे। देखते हैं मान रख करके जो आपके पास मान है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान आपको देखो दे रखा है -3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा ए का मान आपके पास कितना है 2, और सी का मान है आपके पास 5। सॉल्व करते देखो -3 का स्क्वायर यानी -3 गुणा -3 कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 9, यानी इसको जब आपने सॉल्व किया आपके पास आ गया +9। फिर ऐसे ही माइनस, देखो 4 2 8 और 8 में जो हो जाएगा कितना 40। तो इस तरह से आपके पास जो पहले क्वेश्चन का आंसर आया वो आ गया माइनस का 31, और ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऋणात्मक है, तो बताओ इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी एक आपने लाइन क्या लिख देनी है कि समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा, समीकरण क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर आप लिख दीजिए समीकरण, हम लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, समीकरण भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है, फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कंप्लीट फर्स्ट नंबर, आई होप कि ये बच्चों फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस सेकेंड नंबर की तरफ, और यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, जब विभिदकर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया या फिर धनात्मक आएगा तब अस्तित्व होगा, और ऋणात्मक आया तो अस्तित्व नहीं होगा। ये आपने देख लिया अस्तित्व नहीं होगा तो आपने आगे सॉल्व नहीं करना, तो जैसे अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। बट जब आपने देखा कि आंसर आपका 0 या फिर धनात्मक कोई भी संख्या आई है, तब आप द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और आगे उसको सॉल्व करेंगे। और द्विघात समीकरण का मानक रूप आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ए बी सी का मान आपका द्विघात समीकरण के मानक रूप से ही निकलने वाला है। दूसरे समीकरण के लिए क्वेश्चन को लेकर आते हैं नीचे, और इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है वो आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेकेंड नंबर में आपको दे रखा है 3x² नंबर सेकेंड, 3x², फिर आपके पास -4 √3x +4 = 0। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, आपको वो लाइन पूरी लिखेंगे कि समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर, तो यहाँ पे मैं सीधा मानक रूप लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ए बराबर बचेगा आपके पास 3, ऐसे ही बी बराबर इस एक्स से ये एक्स खत्म, बी बराबर बचेगा माइनस का 4 और रूट में 3, ऐसे ही सी बराबर देखो कितना है ऊपर 4, ए बी सी का मान मिल गया। अब क्या करेंगे आप, डी बराबर लगाएंगे फॉर्मूला b² - 4ac। क्लियर है, आगे देखते हैं आप। अब इसमें मान रखते हैं जो हमने ए बी सी का मान निकाला, बी का मान देखो कितना है माइनस का 4√3, तो ये आ गया -4√3 और इस पूरे का स्क्वायर, फिर -4 गुणा ए का मान आपके पास कितना है 3, और सी का मान ऊपर कितना है 4, देखो सी का मान 4 और ए का मान 3। सॉल्व करते हैं देखो -4 का स्क्वायर, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 3 की गुणा करा करके, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 हो जाएगा 16। ठीक है, गुणा
3 का स्क्वायर है, देखो √3 गुणा आप √3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, √9, और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, यानी यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 3। ऐसे ही माइनस देखो 4 3 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखो 16 32, 16 3 48, माइनस इधर आपके पास कितना है 48, और आंसर कितना आ गया 0, यानी डी बराबर आपके आपके पास कितना 0। तो बताओ जो मूलों का अस्तित्व हमको बताना था वो है या नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लाइन देखी थी, अगर आंसर हमारा 0 या फिर धनात्मक आएगा तब अस्तित्व होगा, तब हम उसको आगे द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व ये आपने लिख दिया कि मूलों का जो अस्तित्व है वो होगा। अब आप क्या करेंगे, आगे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं लिखना। अब यहां पर आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र बच्चों क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, जल्दी से याद कर लो इसको, माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a, और ए बी सी का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं। और एक चीज और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान पहले ही आप निकाल चुके हैं सीधा डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा मान रखेंगे, देखो माइनस का बी, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये इधर देखो ये माइनस, ठीक है। बी का मान भी माइनस में और ये फॉर्मूले माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और बी का मान कितना है 4√3, सिर्फ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4√3। ये माइनस कहाँ गया बच्चों, ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया प्लस बन गया, फिर प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना अभी आपने निकाला, यहाँ पर ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी आपने निकाला कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लिख देना है, रूट में 0 लिख देना है, पूरे के अकाउंट में 2 * a का मान आपने कितना निकाला 3, मान रख दिया हमने। देखो आपके पास यहाँ रहेगा 4√3, और देखो 0 रूट में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी रूट में 0 उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 0 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इस वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ क्या लेंगे 4√3 बट्टे में आ जाएगा कितना 6। आगे देखते हैं, देखो 2 का भाग यहाँ चलेगा, 2 * 2 = 4, 2 * 3 = 6, आपके पास बचा कितना 2√3। अब देखो बट्टे में 3 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ देखो रूट अभी हमारे पास कितना आया था 9 या ये देखिए यहाँ पे जब हमने ये √3 का स्क्वायर किया था हमारे पास कितना आया था, √9 आया था, ठीक है। यानी इसको √3 स्क्वायर को हम क्या लिख रहे थे, √3 * √3 लिख रहे थे, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे √9 आया था, और सॉल्व करके कितना आया था, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3 आया, तो हम इस वापस 3 को क्या √3 * √3 नहीं लिख सकते। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो देखो हमने वही यहाँ पर काम कर दिया कि √3 * √3 लिख दिया, 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2/√3, और ये आपका क्या गया मूल आ चुका है, आपका जो मूल आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसका हमने मूलों का अस्तित्व निकाल लिया, और इस तरह से आपका आंसर कितना आ चुका है बच्चों, 2√3, क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा है तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपके जो मूल आगे देखो किसी भी उसके मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे 2/√3 एक और, यानी जो मूल होंगे वो आपके कितने आ गए 2/√3, ये आपके हो गए मूलों का अस्तित्व, और मूल भी आपने निकाले। पहले आपको बताना था कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए, तो आपने यहाँ चेक किया 0 आया, तो आपने कहा मूलों का अस्तित्व होगा, फिर आपने द्विघाती सूत्र से इसका पूरा सॉल्व कर लिया, और आंसर आपने मूल निकाल करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसी का नंबर 3। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई भी डाउट हो आप आपके मन में आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हैं। और अगले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से है, उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। देखो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाने के लिए सिंपल आपने गूगल में जाकर के क्या टाइप कर देना है, कंपोजर टाइप कर देना है। जैसे आप इसमें कंपोजर लिखते हैं तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाती है, सिंपल आप गूगल में, गूगल में आपने कंपोजर टाइप कर लेना है, और कंपोजर टाइप करते ही आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिलती है, ठीक है। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, सभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हैं सभी बुक्स के, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो नंबर आपका है 3rd, 3rd नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी टाइम। 3rd
थर्ड नंबर में जो आपको इक्वेशन दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। पहले आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 6x, फिर है प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से आप वही लिखेंगे कि समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करने पर ax² + bx + c = 0। ए का मान बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, बी का मान हो जाएगा -6। और अब तक ये आप सीख चुके हैं कैसे निकालना है। देखो x² से x² ए बचा आपके पास 2, x से x खत्म, बी बचा -6 और सी बराबर कितना आ गया 3। तो पहले हमें क्या करना है, मूलों का अस्तित्व चेक करना है। तो डी बराबर हो जाएगा आपका b² - 4ac। बी का मान आपके पास कितना है -6, यहाँ पे आप लिखेंगे -6 का स्क्वायर। फिर -4 गुणा a का मान आपके पास कितना है 2, गुणा c का मान आपके पास कितना है 3। मान रख दिया आपने माइनस, देखो -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का बन जाएगा 36। ऐसे ही -4 × 8, 8 16 8 24, ठीक है। आप 36 में से 24 घटाएंगे, बचेगा आपके पास कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे जब आपको पता चल गया कि जो आंसर हमारा आया वो क्या है, धनात्मक है, ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे यहाँ पर, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आप क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे इसमें। तो आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, अगर आपसे कोई पूछता है कि श्रीधराचार्य सूत्र बता, तो क्या आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। -b + √b² - 4ac। इस b² - 4ac की जगह आप डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं। देखो तो d का मान क्या है, b² - 4ac, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x बराबर देखो -b, यहाँ पर माइनस ये और b का मान जो है -6 है, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। ऐसे ही प्लस माइनस, फिर आपके पास देखो d का मान कितना है 12, तो ये b² - 4ac की जगह हम क्या रखेंगे, d का मान कितना 12 बटने में कितना है 2, और a का मान आपके पास कितना है बच्चों 2। अब पहले हम √12 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो रूट को, सॉरी जो 12 है उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो देखो 2 से सिंपल इसको क्या निकालो आप, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 चंग हो जाएगा 12, फिर 2 से 2 3 6 3 1 3, जिसका जोड़ा बन रहा है बच्चों उसको रूट से बाहर लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट में ही रहेगा। देखो 6 + 2 का जोड़ा बन गया तो 2 आपका बाहर आ गया, 3 का जोड़ा नहीं बना इसको मैं रूट में लिखा, बट्टे में आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक बार प्लस लेने पर तो यहाँ पे आ जाएगा x = 6 + क्योंकि यहाँ देखो आपके पास प्लस भी और माइनस भी है, तो आपने लिखा 6 + √3/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे क्या होता है, देखो 2 यहाँ से आपका कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर आप और क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखो 2 ही कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पे। 2 जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 3 6 3 + ये 2 आ गया बाहर, अंदर बचा आपके पास √3, और बट्टे में कितना है आपके पास 4। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 + √3/2। एक मूल आपका ये निकल करके आ गया जब आपने क्या लिया, x = + लिया, ठीक हो गया। दूसरा मूल निकालते हैं क्या लेने पर, माइनस लेने पर तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x = 6 - 2√3/4, आ जाएगा 4। पूरी वही सेम प्रोसेस रहेगी, 2 कॉमन यहाँ से निकालेंगे, बचेगा आपके पास 3 - √3/4, आ जाएगा आपके पास कितना 4। फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x = 3 - √3 और पूरे के बट्टे में कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो बात चार नहीं सॉरी कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर भी एक मिस्टेक होने वाली थी क्योंकि हम 4 को तो कट कर चुके हैं कितने टाइम, 2 बार, तो ये आपका निकल करके आ गया क्या, दूसरा मूल, क्लियर है। आई होप कि बच्चों आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट, यानी क्वेश्चन जो नंबर फर्स्ट था उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया, ये नंबर आपका थर्ड, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर ये आपका नंबर सेकेंड, फिर उसका नंबर आपका ये फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपसे कहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल क्या हो, 2 बराबर मूल हो। यानी अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 2 मान निकालने हैं किसके, के लिए।
तो सिंपल सा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपने क्या लिखना है, विविधकर का सूत्र लगाना है और सॉल्व कर देना, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो विविधकर सूत्र मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा से लिख देता हूँ। डी बराबर क्या होता है, अभी तक आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, और अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया इसको सॉल्व करना। सबसे पहला जो समीकरण दे रखा है आपको, 2x² + kx + 3 = 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है समीकरण की तुलना किससे करने पर, फटाफट बोलो, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 किया आपने, क्योंकि 1 नहीं माना तो हम इसको यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। समीकरण की तुलना बताओ किससे करेंगे, समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर, मानक रूप से, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से देखो मानक रूप क्या आ जाएगा आपका, ax² + bx + c = 0। जल्दी से बताओ a का मान कितना हो जाएगा, 2, b का मान हो जाएगा आपके पास k, और c का मान हो जाएगा आपके पास कितना, 3। क्या लगाना है आपने, d बराबर b² - 4ac, इस फॉर्मूले का यूज करना है और आपने आंसर निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, b का मान आपके पास कितना है, k, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बोला है, मूल बराबर है और आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब विविधकर d बराबर 0 होगा तभी आप इसका k का मान निकाल सकते हो और समीकरण के मूल बराबर होंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन में आपसे बोला होगा कि मूल बराबर होंगे तब आप d का मान क्या लेंगे, हमेशा 0 लेंगे। कारण आपको पता चल गया कि हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा है कि मूल जो है वो बराबर है, क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि जो मूल बराबर होंगे कब, जब d का मान 0 होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ये लाइन लिख देते हैं ताकि आप आगे के लिए याद रखें, जब मूल बराबर होंगे तब डी बराबर क्या रहेगा, तब डी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस डी की जगह पे आपने रख देना है 0, बी स्क्वायर, बी का मान आपके पास कितना है, के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4, गुणा ए का मान कितना है आपके पास, 2, गुणा सी का मान आपके पास कितना है, 3, ठीक है। तो आपके पास आ गया के स्क्वायर -4 × 8 = 24 बराबर में क्या है, 0। अब देखो माइनस का 24 है बराबर किधर, यानी जहां 0 है वहां पर ले जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा देखो k² + 24, ठीक है। यहाँ से देखो अब आपको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, और रूट लगने के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस। अब 24 के हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और जोड़ा बनाएंगे। देखो 2 से क्या 12, फिर 2 से देंगे कितना, 6, फिर 2 से देंगे 3, और फिर 3 से जाएगा 1 बार। जिसका जोड़ा बना उसको रूट के से बाहर निकालेंगे, और जिसका नहीं बना जोड़ा है, पेयर नहीं बना, उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। तो देखो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 का पेयर बन गया, 2 लिखा आपने, और जिसका पेयर नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना, उसको आप ऐसे लिख दो, 2 और 3, 2 3 6, यानी आपके पास जो मूल आ गए के जो मान निकल करके आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, +-2√6। आप इसको क्या लिखते हैं, प्लस में 2√6, और ऐसे ही के करके आप लिख सकते हैं माइनस में 2√6। ये आपके क्या निकल करके आ गए, के लिए 2 मूल आपने निकाल दिए, ठीक हो गया। इसी के साथ आपका नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर देख लेते हैं, सेकंड नंबर के लिए जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और देखो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप जो मैथ में आपका टेंशन है कि मेरे मैथ समझ में नहीं आती, देखो आप सिंपली बस देखते रहो, अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी। और ये है कि एकदम से कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में, जो नई चीज़ होती है वो एकदम से नहीं जाती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी मैथ बहुत अच्छी होती जाएगी, और 100% गारंटी है कि आपका स्कोर जो रहेगा मैथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। कि एक्स हो गया x-2 + 6 = 0, फिर यहाँ पे हम तुलना कर देंगे किससे, मानक रूप से, वो लाइन आप लिख लेंगे, ax² हम यहाँ पे लिखेंगे, मानक रूप लिख दे रहा हूँ मैं, bx + c। और यहाँ से देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो के एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बन जाएगा आपका kx², ठीक हो गया। फिर माइनस आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो के एक्स की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये बन जाएगा -2 kx, ऐसे ही +6 = 0। एक ये लाइन हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, और ये वाली जो लाइन है इसको हम उसके नीचे डाल देते हैं,
ठीक होगा जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपके सामने ये कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ से आप ए बी सी का मान निकाल लीजिए, सिंपल है आप मान निकालना आपके लिए। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ए बराबर बचा आपके पास के। फिर आप देखेंगे बी का मान, देखो एक्स से एक्स खत्म, बी बराबर बचेगा आपके पास माइनस का 2 के। ऐसे ही सी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, +6। फिर वही आपने लाइन लिख देनी है कि मूल, जब मूल बराबर होंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान आप लिख देंगे 0, बी का मान आपके पास कितना है -2 k, और फॉर्मूले में इसका स्क्वायर है। फिर है -4 गुणा ए का मान आपके पास कितना है k, और सी का मान कितना है 6। ये आपने मान रख दिया, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा +4, और k का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा k2। ऐसे ही -6 हो जाएगा 24, और यहाँ पे आ जाएगा k बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, देखो दोनों में 4 आपको कॉमन मिलेगा, तो 0 बराबर 4 हम कॉमन निकालेंगे, और एक आपको के भी कॉमन देखने को मिल रहा है। तो 4 k कॉमन निकाला आपने, आपके पास अंदर बचा के। फिर आ जाएगा देखो 4 6 हो जाएगा 24, तो के माइनस कितना आ जाएगा 6। अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ले लेंगे, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। देखो मल्टीप्लाई में, तो पहले हम इसको लेंगे 4 k को, फिर ऐसे हम लेंगे के -6 को किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। यहाँ से आप के का मान निकालेंगे, तो 4 गुणा में है, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 0/4। तो आप कह सकते हैं कि k का मान यहाँ पे 1 0 आ गया। ऐसे ही k देखो -6 है, बराबर किधर लाएंगे, 10 का 6 हो जाएगा कंप्लीट। तो आपके जो 2 मूल आपको बताने थे वो आप करके, आपके जो है वो निकल करके आ चुके हैं। ठीक हो गया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो समीकरण के जो बराबर होने के लिए है वो k बराबर 6 होना चाहिए। ठीक है, और k क्या होता है, k का मान 0 हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिख देना है कि k इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो मूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था वो आपने कंप्लीट देख लिया। ये आपका सेकंड का सेकंड नंबर, और ये ऊपर आपके पास सेकंड का फर्स्ट नंबर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है बच्चों, इसमें अब देखो पहले तो आपको बताना है कि संभव है या नहीं है। ठीक है, तो संभव है या नहीं है वो तो आपको लास्ट तक जैसे सॉल्व कर जाएंगे आपको अपना पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है आम की बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, अगर मैं बात करूं कोई भी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती तो आप क्या बोलेंगे, आप इस आकृति को क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। तो आपको जो बगिया दे रखी है वो कैसी है, आयताकार। ठीक हो गया, तो आप स्टार्टिंग करते हैं हम इसके आंसर की। तो हम लिखते हैं माना क्या, अब यहाँ पे हम लंबाई या चौड़ाई दोनों में से किसको एक्स माने। ठीक है, क्योंकि अगर एक को हम एक्स मानेंगे और दूसरे के लिए तो कंडीशन दे रखी है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो लंबाई है, क्वेश्चन में बोला है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले लंबाई या फिर चौड़ाई। कई बच्चे बोलेंगे कि सर लंबाई पता होनी चाहिए, बट लंबाई नहीं, पहले हमको क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई। चौड़ाई मान लो अगर 10 पता चल गया, तो हम 10 में 2 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लंबाई पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी लंबाई, 20। तो आप किसको मानेंगे, चौड़ाई को। तो ऐसे हम लिख देते हैं माना आम की बगिया की चौड़ाई, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर एक्स, और वैल्यू जो आपको दे रखी है देखो मीटर में दे रखी है ना, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर जो भुजा हो जाएगी वो मीटर हो जाएगी। चौड़ाई आपकी एक्स हो गई, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में बोला है जो चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चौड़ाई आपकी एक्स है, तो एक्स की दोगुनी यानी 2x, और ये भी हो जाएगा किसमें, मीटर में। फिर आगे प्रश्न में कहा है इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और क्षेत्रफल किसका है, ये आयत का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, या फिर आयताकार, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख लिया जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो मैंने ऊपर आपको डॉट करके छोड़ दिया था, बट आपने उसको पूरा करना है, लंबाई यहाँ पर छोड़, चौड़ाई आपने पूरा लिखना है, लंबाई पूरा लिखना है, बराबर में आ जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपकी है 2x, यहाँ पे हमने लिखा 2x मल्टीप्लाई, फिर चौड़ाई आपकी कितनी है x, इक्वल टू में आ जाएगा अब आपका 800 मीटर।
ठीक हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो 2x की मल्टीप्लाई आप एक्स एक्स में कराएंगे तो ये बन जाएगा 2x² = 800। देखो 2 गुणा में है, बराबर की तरह लाएंगे, किसमें आ जाएगा, बट्टे में यानी डिवाइड में, x² / 2। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं कि x² 2 चौक हो जाएगा 8, तो आपको बचेगा आपको देखो 2 चौक 8, 4 और 2 0। मान निकालना है आपने किसका, x² का। तो यहाँ पे देखो x, और यहाँ पे बात करें देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो आपके पास आ जाएगा x = √ में कितना, 400। और बात करें कि √400 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, किसका होता है, 20 का। कैसे निकालेंगे इसको आपको बता देता हूँ, सिंपल। आपने क्या निकालना है, 400 के देखो ऐसे कर लो, सॉल्व करते जाओ, छोटे से छोटी संख्या से भाग देते जाओ, 100 आ जाएगा, फिर 2, फिर 50, फिर उसके बाद 2 से 25, फिर 5 से 25, बचेगा 5, और फिर 5 एकम 5, जोड़े बना लो। देखो एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा, एक जोड़ा, देखो यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। x = कितना आ गया, 20। और x आपने किसको माना था, चौड़ाई, वहाँ पे आप लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 मीटर, और लंबाई उसकी दुगनी है तो 20 यानी गुणा कर देंगे हम 2 से, तो लंबाई आ जाएगी कितनी आपकी, 40 मीटर। कंप्लीट है, तो हम बोलेंगे कि जो बगिया है उसको क्या है, बनाना संभव है, और लंबाई आपने लिख देनी है 40 मीटर, और चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी इसमें, 20 मीटर। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दूं कि वेबसाइट पर जरूर विजिट करेंगे, ताकि आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो आप इजिली देख पाएं किसी भी बुक का, चाहे वो आपकी साइंस हो, मैथ हो, और हिंदी हो, इंग्लिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोला है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पे भी वही चीज, अगर देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कोई दो दोस्त हैं, राम और श्याम। समीकरण बनाना अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम। देखो राम और श्याम, इनकी आयु का योग, योग यानी जोड़ दे रखा है कितना, 20 वर्ष। इसमें से आप किसी को भी एक को आप एक्स मान सकते हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं कहा है कि इसकी उम्र इतनी है, ठीक है। किसी एक की आप उम्र मान लीजिए, मैंने बता दिया कि राम की उम्र आपकी क्या है, 10 साल है, तो आप श्याम की उम्र मुझे बता सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपल आप करेंगे, 20 में से आप बोलेंगे कि सर हम 10 घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 10। आप श्याम की उम्र कितनी बोलेंगे, 10 वर्ष। क्या किया आपने, अब यहीं पर आपने घटा दिया, ऐसे हम मान लेते हैं राम की आयु हम एक्स मान लेते हैं, तो आप श्याम की आयु बता सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, जो आपका योग है, योग में से आप एक की जो उम्र आप पता है उसको माइनस करेंगे, तो आपका दूसरे का, दूसरे की उम्र पता चल जाएगी। वही चीज आपने यहाँ पर करनी है, लिखेंगे माना दो मित्र हैं, तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, एक्स वर्ष। ऐसे ही दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर, योग दे रखा है कितना, 20, और इसमें से हम पहले वाले मित्र की आयु घटा देंगे, हमें दूसरे की आयु पता चल जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, हमने कर लिया। फिर आगे बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब हमें क्या पता होना चाहिए, 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, तो 4 वर्ष पूर्व, और पूर्व के लिए हमेशा क्या आता है, माइनस। हम पहले बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ये आयु वाले, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व, या फिर हमने लिख दिया 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आज आपकी 10 साल है, तो 4 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आज जो है आपकी, उसमें से आप 4 माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही जो यहाँ पर पहला मित्र है उसकी अगर आज एक्स है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 4। ऐसे ही दूसरे मित्र की आयु बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, दूसरे मित्र की आयु अगर आज उसकी 20 - x है, दूसरे मित्र की आयु 4 साल पहले क्या कर बतानी है अगर आपको, तो क्या कर देंगे आप, सिंपल 4 माइनस कर देंगे। देखो 20 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 16 और -x, ठीक है, 20 में से -4 गया, बचा आपके पास 16, और बचा आपके पास इधर कितना, -x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ष, ठीक हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे वर्ष कंप्लीट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बोला है कि उनके जो 4 साल पहले उम्र थी उसका गुणनफल 48 है, यानी 4 साल पहले जो इनकी उम्र थी, पहले मित्र की आयु कितनी है, x - 4,
और जो दूसरा मित्र है उसकी जो उम्र है वो है 16 माइनस x। यहाँ पे आप बीच में गुणा का निशान लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के बीच में गुणा ही गुणा का संबंध है। गुणनफल जो था वो था कितना था, 48। अब इसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स से गुणा आप 16 माइनस x में कराओ तो एक्स आ जाएगा 16 माइनस x, फिर ऐसे ही -4 की गुणा हो जाएगी इन दोनों में, तो आ जाएगा 16 माइनस x बराबर में 48। अब देखो एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16x, और इधर बन जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 4 और प्लस का 16 है, 16 32, 16 48, 16 चौको कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 64। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना, माइनस का 64, फिर ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या बन करके आ गया, एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपको कहा है, एक चीज यहाँ पर आपकी जो आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 4 और 16 माइनस x। ठीक है, एक प्लस का एक्स स्क्वायर, एक माइनस का एक्स स्क्वायर, चेक कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, बट वहां पर कितना आ रहा था, 4 x स्क्वायर। देखो सॉरी, माइनस और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 x हो जाएगा। अभी छोटी सी गलती होते होते बच गई। अब देखो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, इसको हमने वैसे लिख लिया, फिर 16 x और प्लस 4 x कितना बन जाएगा, प्लस का 20 x, इसको हमने ऐसे लिखा। माइनस का 64 है, इसको भी हम वैसे का वैसे रहने देते हैं, और इधर बराबर में 48। नेक्स्ट स्टेप बच्चों जो रहने वाला है, उसमें हमने क्या करना है, ये जो सारे मान है बराबर के इस साइड वाले, जो बराबर के इस साइड है, इनको हम बराबर किधर लेकर के आएंगे, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 20, माइनस का 20, माइनस का 64, प्लस 64 बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, आपके पास जो समीकरण थे उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इधर आएगा देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस का 20, माइनस का 20 x बन जाएगा, और फिर माइनस का 64 प्लस 64 बन जाएगा। इधर बराबर में आपका ऑलरेडी प्लस का 48 था ही। अब जब बराबर की ये वाले सारे मान इधर आ गए, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, 0, तो हमने 0 लिख दिया। देखो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20 x, बचेगा आपके पास देखो 64 और 48 को जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका कितना, प्लस का 112 बराबर 0। फिर से आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, डी का फॉर्मूला लगाना है। डी बराबर क्या होता है आपका, 20² - 4ac। ठीक है, तो आप पहले इसके यहाँ पे लिखेंगे समीकरण की तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है, यहाँ से आप बोलेंगे ए का मान 1, देखो जब कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ तो ए का मान 1, बी का मान आ जाएगा आपके पास कितना, -20, और ऐसे ही सी बराबर आ जाएगा आपके पास 112। तो बोला है कि अगर अस्तित्व है तभी आप इनको आगे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम अस्तित्व चेक करेंगे, जो अभी हमने फर्स्ट नंबर में चेक किया था हमने। डी बराबर क्या होता है, B² - 4ac। ठीक है, मान रखते हैं यहाँ पे, देखो बी का मान -20, तो यहाँ पे माइनस का 20 रखा, पूरे का स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 गुणा ए का मान आपके पास 1, और सी का मान कितना, प्लस का 112। 20 का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। कैसे होगा, सिंपल, आप 20 की गुणा 20 से करा लो, पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका 4 की गुणा 112 से करानी है, तो जब आप 4 की गुणा 112 से कराएंगे तो बन जाएगा बच्चों ये कितना, 448। देखो 4 2 8, 4 1 4, फिर 4 1 4, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आंसर जो आया -48 आया है। ठीक है, तो डी का जो माना है वो कैसा है आपका, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर डी का मान ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, आप लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कंप्लीट, इसी को, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा डी का मान है वो माइनस में आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्को को बनाना संभव है, यदि संभव है तो उनका हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पे फिर से वही कंडीशन की लंबाई और चौड़ाई किस चीज में आपको पता है किसकी होती है, आयत की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना, आप किसी को भी आप यहाँ पे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना लंबाई बराबर एक्स, या फिर हम लंबाई चौड़ाई बाद में मानते हैं, सीधा सीधा हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि आपको परिमाप दे रखा है। ठीक है, परिमाप दे रखा है, या फिर हम कर लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं माना एक्स या वाई किसी को मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर
माना लंबाई बराबर एक्स मीटर। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बोली है कि इसका इतना गुना है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। अब आगे आपको परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप किसका, पार्क का, पार्क का परिमाप, ठीक हो गया। पार्क का परिमाप आपको दे रखा है कितना, 80 मीटर। अब परिमाप का सूत्र आपको पता है क्या होता है, परिमाप होता है बच्चों दो ब्रैकेट में, दो कोष्टक ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में कितना आपका 80, ठीक है। दो गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा, लंबाई आपने क्या मान ली है x, चौड़ाई आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो देखो ये आ जाएगा 80/2, और यहाँ पे अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, x प्लस चौड़ाई, और देखो 80 का आधा करोगे कितना बचेगा आपके पास 40, चौड़ाई आपको बतानी है तो चौड़ाई आपकी कितनी निकल करके आ जाएगी यहाँ से, देखो 40 प्लस का एक्स है बराबर कितना लाओगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 40 - x मीटर। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। जब क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 800 ही है, काम है उससे चेक कर लेते हैं, पार्क का सॉरी 400 मीटर स्क्वायर है, 8 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल देखो लंबाई चौड़ाई है तो यानी आयत का क्षेत्रफल होगा सेम, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपकी कितनी है एक्स मीटर, हमने लिखा है एक्स गुणा चौड़ाई आपने अभी निकाली 40 - x बराबर में 400, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, आपने सिंपल एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करा देनी है, तो देखो एक्स गुणा 40 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका 40 x, फिर एक्स की गुणा -x से कराएंगे तो बन जाएगा -x² इक्वल टू में आ जाएगा आपका 400, क्लियर है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, अब इन दोनों मानों को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो -x² बन जाएगा +x² और उसके बाद प्लस का 40 है बराबर की तरह लेकर के आएंगे -40x, और ऑलरेडी इधर प्लस का 400 है आपके पास बराबर में 0। अब इसका पहले हम क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे, अस्तित्व चेक करने के लिए लिखेंगे क्या, समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर, ax² + bx + c = 0 से करने पर, a का मान बता सकते हैं आप कितना, 1, जब x² के साथ ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप a का मान कितना लेंगे, 1, b बराबर आ जाएगा कितना -40, c बराबर आ जाएगा कितना आपके पास 400। अब आपको पता है फॉर्मूला किसमें लगाना है, कौन सा लगाना है, b² - 4ac, ठीक हो गया। और यहाँ पे b का मान आपको कितना दे रखा है, देखो -40, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -40² -4 गुणा a का मान 1, c का मान 400, -40² करेंगे 400 हो जाएगा कितना 1600, और माइनस माइनस देखो स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐसे ही -4 की गुणा 400 से कराओगे कितना बन जाएगा 1600, आंसर कितना बच्चों आ जाएगा आपका 0, यानी d बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे आप क्या लगाने वाले हैं, द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र, कितने बच्चों को पता है, लगभग अभी तक सब बच्चे याद कर चुके हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x - b + √b² - 4ac पूरे के बट्टे में 2a। मान रखते हैं देखो माइनस फॉर्मूले का आ गया, b का मान आपके पास कितना है -40, तो -a और -ca दोनों मिलके क्या बन जाएंगे +40, +b² - 4ac का मान अभी आपने जस्ट निकाला है, देखो यहाँ से d कितना आया था 0, तो रूट में आप 0 रखेंगे तो वो जाएगा 0, तो 0 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बट्टे में कितना है 2, a का मान कितना है 1। इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर जाएगा देखो 40/2, इधर 0 खत्म हो जाएगा कोई फायदा नहीं उसको लिखने का, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और x आपने माना था किसको, x माना था आपने लंबाई को, तो लंबाई आपकी बच्चों कितनी आ चुकी है, लंबाई बराबर आ गई है 20 मीटर, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई आपकी आ जाएगी बच्चों कितनी, परिमाप आपका था 80, देखो चौड़ाई आपने क्या निकाला था अभी यहाँ पे, चौड़ाई 40 - x, तो सिंपल 40 में से माइनस कर दो एक्स को, और एक्स का मान अभी आपका कितना है 20, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20,
इस तरह से आप लिखेंगे क्या चौड़ाई बराबर आ गई 20 मीटर, और ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। और सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि अच्छे से तैयारी करो और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना, आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज और चैप्टर आपका फोर्थ ठीक है, हो चुका है कंप्लीट। और जो भी डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो। और चैप्टर जो आपका फोर्थ था द्विघात समीकरण, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चंस आपने वन बाय वन करके सभी का सॉल्यूशन आपने यहाँ पर देखा आज। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपके क्लास से रिलेटेड, आपके बोर्ड से रिलेटेड, आपको तुरंत देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।